हेलो, आई एम अभिषेक नंगायत एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट कैलेंडर्स। कैलेंडर्स टॉपिक क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। नाउ सपोज टुडे इज संडे, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि कल क्या डे होगा, ऑब्वियसली विल आंसर मंडे। परसों क्या होगा, ट्यूजडे। बहुत बेसिक है, राइट? अच्छा, सपोज आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर 8 डेज। Fine. तो जब अपन मंडे की बात कर रहे थे, कल क्या होगा, एक दिन बाद का पूछा तो आपने मैन्युअली कर लिया, एक दिन बाद इट विल बी मंडे। 2 दिन बाद का पूछा आपने, वो भी मैन्युअली कर लिया, ट्यूसडे। अब जब मैं 8 डेज का पूछ रहा हूँ तो नो डाउट इसको भी हम मैन्युअली कर सकते हैं, बट क्या हम मैन्युअली करेंगे कि चलो कल मंडे हो जाएगा, परसों ट्यूजडे, देन वेडनेसडे एंड सो ऑन? नो। व्हाट विल डू, हमें पता है इफ टुडे संडे सो आफ्टर 7 डेज अगेन इट विल बी संडे। तो इन 8 डेज में से इन 7 डेज का तो कोई रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेम डे रिपीट होगा। फाइन, तो इन 7 डेज को यदि हटा दिया जाए तो केवल एक दिन बचता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आफ्टर 8 डेज हम संडे से डायरेक्टली एक दिन आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो दैट विल बी मंडे। फाइन, नाउ सपोज आई आस्क यू व्हाट विल बी द डे आफ्टर 50 डेज। टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, व्हाट विल द डे आफ्टर 50 डेज? अब मैं 50 दिन बाद की बात पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, हमें पता है कि टुडे इज संडे, तो आफ्टर 7 डेज इट विल बी संडे अगेन। फाइन, 7 दिन बाद रिपीट करेगा, 7 डेज का साइकिल होता है, तो इट विल बी संडे अगेन। देन आफ्टर 14 डेज संडे अगेन, 21 डेज संडे अगेन, 28 संडे अगेन एंड सो ऑन। इस तरह से 7 के जो भी मल्टीपल आ रहे हैं तब तब संडे रिपीट करने वाला है। तो इस तरह से 49 डेज तक इट विल बी संडे अगेन। 50 डेज में से 49 डेज गए तो वी आर रिमेनिंग विद ओनली वन डे, तो हम संडे से एक दिन आगे शिफ्ट कर देंगे, सो द आंसर इज मंडे। राइट? नाउ सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द डे आफ्टर सपोज से 100 डेज। 100 डेज के बाद क्या दिन होगा? तो डायरेक्टली इसको करने का डायरेक्ट मेथड अब हम समझ चुके हैं। 7 की साइकिल का कोई रूल नहीं है, 7 की साइकिल्स आई जा रही है, उनको हटाते रहिए। तो वन मेथड इज कि इस तरह से हम कैलकुलेट करते रहे। बेटर वे इज इस नंबर को आप 7 से डिवाइड करिए। जितनी भी बार ये जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर आ रहा है उससे हमें मतलब है। 2 रिमाइंडर आया, इसका मतलब इन 100 डेज में से 98 डेज तक तो हमारा 7 का साइकिल ही रिपीट हो जा रहा है, तो संडे विल रिपीट। फाइन, 100 डेज में से 98 डेज तक तो इट विल बी संडे। अब कितने दिन बचे? 2 दिन, तो हम 2 दिन आगे शिफ्ट कर देंगे, तो मंडे एंड ट्यूजडे इज आर आंसर। नाउ सपोज आई आस्क यू कि टुडे इज संडे, व्हाट विल द डे आफ्टर से 500 डेज? तो वी नो दैट 500 को जब हम 7 से डिवाइड करने वाले हैं, तो आई थिंक 71 टाइम्स में इट विल गिव अस 497, सो वी आर लेफ्ट विद 3 रिमाइंडर। दिस रिमाइंडर इज इंपॉर्टेंट टू अस, हमको इससे मतलब है। क्यों? कितने भी साइकिल कंप्लीट हुए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये जो रिमाइंडर है हमें उतने डेज आगे शिफ्ट करने होंगे। नाउ टुडे इज संडे, आफ्टर 500 डेज इट विल बी मंडे, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, सो आंसर इज वेडनेसडे। फाइन, आई होप इतना पार्ट आप लोग को क्लियर होगा। तो यदि इतना क्लियर है तो आगे इसी पे फोकस करते हुए अपन आगे चलते हैं। ओके, सो सपोज टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 365 डेज, दैट इज 1 ईयर। एक साल के बाद क्या दिन होगा? नाउ इफ वी डिवाइड दिस 365 बाय 7, तो इन 52 टाइम्स विल गेट 364, सो द रिमाइंडर वुड बी 1। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू यू नो शिफ्ट 1 डे। So today is Sunday. So what will be the day after 365 day? It would be Monday. एक दिन आगे शिफ्ट कर देना है हमें, क्योंकि एक रिमाइंडर आया, it will be Monday. Fine. तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, हर एक साल में एक दिन आगे बढ़ता है, एक दिन का फर्क आता है। Now suppose today is 2nd of January 2021 and today is Sunday. तो 2nd of January 2022 यदि हम लेते हैं, तो ये एग्जैक्टली 1 ईयर हो गया, एग्जैक्टली 365 डेज की बात हो गई। तो 365 डेज में जैसे कि हमने देखा कितना रिमाइंडर आने वाला है, 1। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सिंपली शिफ्ट 1 डे फॉरवर्ड, तो संडे के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है? मंडे। फाइन, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा कि नॉर्मली हमको क्या करना है, कितने भी डेज दे दिए जाए हमको उसमें से 7 का साइकिल हटाना है, रिमूव करना है। 7 का साइकिल हटाने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उतने दिन में आगे शिफ्ट कर देने वाले। फाइन, इफ दिस इज क्लियर, सो नाउ वी नीड टू लर्न द लॉजिक ऑफ लीप ईयर। नाउ व्हाट इज लीप ईयर? तो जनरली जो बच्चों का आंसर आता है मुझे कि सर एनी ईयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर।
Fine. So suppose if I ask you कि whether this 1600 is a leap year, so yes, it is a leap year. अच्छा, divisibility rule of four क्या होता है बच्चों? Four का divisibility rule होता है कि we need to check for last two digits only. Last two digits यदि divisible by four है, तो वो पूरा number four से divide होता होगा. ऐसा क्यों होता है? This also we will discuss in some other video, है ना? But as of now, we need to focus on this कि leap year कैसे check करेंगे? Any year which is divisible by four will be leap year. So 1600 Yes, it is a leap year. 1764, last में 64 आ रहा है. It is divisible by 4. Yes, leap year. Now 1800, it is divisible by 4. Leap year. 1900, divisible by 4. Leap year. Then we have 2104, leap year. 2163, not a leap year. Last के दो डिजिट डिविजिबल नहीं है. इसी तरह यदि हम 1908, 08 आ रहा है लीप ईयर. देन वी हैव सपोज 2027, ऑड ईयर तो कोई भी लीप ईयर हो ही नहीं सकता है, नॉट अ लीप ईयर. Right. तो इस तरह से हम देख सकते हैं, बट बच्चों इसमें हमने गलती कर दी है, क्योंकि ये जो रूल है ना, ये कंप्लीट नहीं है. दिस इज नॉट द कंप्लीट रूल. इसमें आपके कुछ आंसर्स गलत हो गए. फॉर एग्जाम्पल, दिस वन, ये दोनों आपके आंसर्स गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज हमें पता है कि लीप ईयर कौन सा होता है. एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय फोर इज लीप ईयर. बट देन इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर्स, नाउ व्हाट इज सेंचुरी ईयर? सेंचुरी वर्ड आपने सुना ही होगा, क्रिकेट भी देखते होंगे आप लोग. सेंचुरी मीन्स 100. Now, in case of century years, so basically I'm talking about the years which are ending in double zero, like this, like this, और एक और हम ले लेते हैं 2000 भी ले लेते हैं. Fine. तो ये सारे century years हो गए. Now century years के लिए rule change हो जाता है बच्चों. Leap year का new rule is in case of century year it should be divisible by 400 instead of 4, it should be divisible by 400 तब जाके वो leap year होगा. तो देखिए 1600 सेंचुरी ईयर है. हम चेक करेंगे कि यह क्या 400 से डिविजिबल है. यस इट इज इन फोर टाइम्स, राइट? सो इट इज अ लीप ईयर. 1800 सेंचुरी ईयर, बट देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, सो इट इज नॉट अ लीप ईयर. सेम गोज विद 1900 एज वेल. सेंचुरी ईयर है, डबल जीरो आ रहा है लास्ट में, बट देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, सो नॉट अ लीप ईयर. 2000 सेंचुरी ईयर एंडिंग इन डबल जीरो, है ना? सेंचुरी ईयर में वापस रिपीट कर देता हूँ, जिन ईयर्स के भी लास्ट में डबल जीरो आ रहा है वो सारे सेंचुरी ईयर्स माने जाएंगे. 2000 is a century year and it is divisible by 400, so yes, it is a leap year. So ये पूरा हमारा रूल होता है बच्चों कि in case of normal years which are not century years, we need to check by 4 only, but in case of century years, we need to check by 400. Fine? तो ये leap year का concept रहेगा, ठीक है? अब जब हम leap year पे आ चुके हैं, तो we know that leap year is a year जिसमें Feb में instead of 28, we have 29 days in Feb. Fine? और यहीं पर यदि हम बात करें तो लीप ईयर में टोटल कितने डेज हो जाएंगे? 365 अपने नॉर्मल ईयर में होते हैं, तो लीप ईयर में वी हैव 366 डेज. तो जब नॉर्मल ईयर की हम बात कर रहे थे, जब इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया था बच्चों? रिमाइंडर वॉज 1. तो जब लीप ईयर को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? रिमाइंडर विल बी 2. एक ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है. तो देखिए, अब एक बात यहाँ पे समझने की है कि किसी भी नॉर्मल ईयर में हम केवल एक दिन आगे शिफ्ट करते थे, एक दिन आगे शिफ्ट करते थे, वन डे का शिफ्ट होता था इसमें. जबकि किसी भी लीप ईयर यदि आ जाएगा तो उसमें कितने डेज का शिफ्ट होने वाला है? 2 डेज का शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि नाउ वी हैव 2 रिमाइंडर. जब हम 7 की साइकिल कंप्लीट करेंगे, 366 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 साइकिल्स कंप्लीट होंगे, 364, एंड रिमाइंडर विल बी 2. सो एग्जाम्पल देता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 1 जनवरी 2000, ठीक है? यहां से हम 1 जनवरी 2001 तक जा रहे हैं, तो एक ही ईयर हुआ है. पर बच्चों आप देखिए कि वो जो लीप डे था वो कवर हो चुका है, फेब 2000 कवर हो चुका है. तो यहां से यहां तक जब हम जा रहे हैं तो कितने डेज हैं? वी हैव 366 डेज. नाउ सपोज दिस वाज संडे, तो यहां पर मंडे नहीं होगा, अब इट विल बी ट्यूजडे नाउ. फाइन? क्यों? क्योंकि अब हमारे 2 ऑड डेज आ जाए. आई होप ये आपको क्लियर होगा. तो यदि ये क्लियर है तो इस पे बेस को स्पेशल देखते हैं हम. सपोज 1 जनवरी 2001 इज मंडे, फाइन? और मैं एक और कंपैरिजन के लिए 1 मार्च 2001 भी मंडे ही अज्यूम करता, जस्ट टू टेल यू ए डिफरेंस. ऐसा होता नहीं है दोनों मंडे हो जाए, बट अपन अज्यूम करके एक कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं, राइट? द 1 जनवरी 2002 क्या होने वाला है बच्चों? अब आप देखेंगे, जब आप जनवरी 2001 से जनवरी 2002 तक आ रहे हैं, तो यू हैव कवर्ड 365 डेज, तो इट विल बी ट्यूजडे. 1 जनवरी 2003 क्या होने वाला है बच्चों?
अगेन 365 डेज, क्योंकि कोई लीप ईयर नहीं आया अभी तक. इट वुड बी वेडनेसडे 1st of January 2004. नाउ 2004 इज अ लीप ईयर, बट लीप ईयर का इफेक्ट तो फेब की वजह से होता है. हम जा रहे हैं जनवरी से जनवरी तक. क्या हमने फेब 2004 कवर कर लिया है, जिसमें वो एक्स्ट्रा डे आ रहा है, क्या वो हमने कवर कर लिया है? अभी तक नहीं किया है. आप देखेंगे हम तो जनवरी तक ही पहुंचे हैं ना अभी तक. तो ये गैप भी कितने का है बच्चों, 365 डेज का ही है. तो यहाँ पे भी वेडनेसडे के बाद इट विल बी थर्सडे. बट जब हम जनवरी 2004 से 1st of January 2005 तक जाएंगे, नाउ वी हैव कवर्ड फरवरी 2004, जहां पर एक दिन एक्स्ट्रा आने वाला है. तो अब इस ड्यूरेशन में वी हैव अ टोटल ऑफ 366 डेज. तो इंस्टेड ऑफ फ्राइडे यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, दो दिन आगे शिफ्ट होंगे, थर्सडे से सीधा सैटरडे हो जाने वाला है. फाइन, वहीं पर यदि ये डेट मार्च की होती, हमने 1st जनवरी 2001 मंडे से स्टार्ट किया, यहाँ भी हम मंडे से स्टार्ट करते हैं. चलिए आपको डिफरेंस समझाने के लिए, तो 1st of March 2002 क्या होगा बच्चों, वही March 1 से March 2 365 डेज ही कवर हुए, कोई भी लीप ईयर का इफेक्ट नहीं आया है. इट विल बी ट्यूजडे. 1st of March 2003 क्या होगा, नॉर्मली कोई भी इफेक्ट नहीं आया, 365 डेज ही रहने वाले हैं, वेडनेसडे. नाउ 1st of March 2004, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको. देखिए जब ये 3 से 4 पर जा रहे थे तो वेडनेसडे का थर्सडे ही हुआ था, बट यहाँ पर वेडनेसडे का फ्राइडे हो जाने वाला है. क्यों? देखिए जब हम जनवरी से जनवरी में आ रहे थे तो हमने फेब कवर नहीं किया था इस ड्यूरेशन में, बट जब हम मार्च 2003 से मार्च 2004 में आ रहे हैं तो हमने फेब 2004 कवर कर लिया है. तो जो हमारा एक एक्स्ट्रा डे था वो कवर हो चुका है. तो यहाँ पे 365 की जगह 366 डेज रहने वाले हैं. तो हम कितने डेज आगे शिफ्ट करेंगे, वेडनेसडे से थर्सडे की जगह विल मूव टू फ्राइडे. अब जब मैं 1st of March 2004 से 1st of March 2005 पे जाऊंगा तो इट विल बी सैटरडे. रीजन, क्योंकि अब देखिए मार्च लीप ईयर है, बट लीप ईयर जिसकी वजह से था उसका इफेक्ट तो खत्म हो चुका है. मार्च 2004 से जब मैं मार्च 2005 में जा रहा हूं तो 365 डेज का ही गैप है. फाइन, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि लीप ईयर का इफेक्ट केवल नंबर देखते ही हमें दो दिन आगे शिफ्ट नहीं कर देना है. आपने खुद ने देखा यहाँ पर 04 में वेडनेसडे से थर्सडे हुआ था, यहाँ पे 04 में वेडनेसडे से फ्राइडे हो गया है. तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जिसकी वजह से हमारा लीप ईयर है फेब, वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है. वो कवर हो रहा होगा तो हमें दो दिन आगे शिफ्ट करने होंगे, वो कवर नहीं हो रहा होगा तो हमें केवल एक ही दिन आगे शिफ्ट करना होगा. फाइन, आई होप ये आपको क्लियर होगा यहां तक का पूरा. नाउ लेट अस मूव टू सम अदर कॉन्सेप्ट. अब हम कुछ ईयर्स का एक वो ले लेंगे, पीरियड ले लेंगे, टाइम पीरियड, और उसमें कितने ऑड डेज होंगे वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 0001 एंड वी आर गोइंग टिल 0010. So we have a span of 10 years. Now my question is, how many odd days are there in total? Odd days क्या है बच्चों? जैसे normal year में हमने देखा ना कि एक दिन extra बचता है, तो calendar की language में उसे one odd day कहा जाएगा. Leap year में हमने देखा कि कितने दिन extra बचते हैं, दो दिन. तो कितना odd days हो गए? Two odd days in leap year. Now 0001 से लेकर if we go till 0010, so we have a span of 10 years. इन 10 इयर्स में बच्चों लीप ईयर कितने आ रहे होंगे? आई थिंक 0004 एक लीप ईयर होने वाला है और 0008 ये दो लीप ईयर हैं. तो इन टोटल वी हैव टू लीप ईयर्स. तो बचे हुए सारे सारे 8 नॉर्मल ईयर्स होंगे. भाई 10 में से दो लीप ईयर हैं तो बचे हुए 8 नॉर्मल ईयर होने वाले हैं. अब हमने देखा है कि जो भी लीप ईयर होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं? टू ऑड डेज होते हैं. तो यहां पर टोटल कितने हो गए? दो लीप ईयर है, हर लीप ईयर में दो ऑड डेज होंगे. इन टोटल वी हैव 4 ऑड डेज ओवर हियर. वहीं पर बच्चों जो नॉर्मली होता है उसमें एक ही ऑड डे होता है, तो वी हैव 8 ऑड डेज ओवर हियर. तो बच्चों इन टोटल हाउ मेनी ऑड डेज डू वी हैव? इन टोटल वी हैव 12 ऑड डेज. फाइन, 12 ऑड डेज इन टोटल. तो ये 12 डेज मतलब बेसिकली जब मैं इस डेट से इस डेट पर आऊंगा तो 10-12 दिन का फर्क पड़ने वाला है. 12 डेज आगे शिफ्ट करने होंगे, बट देन दिस नंबर इज अगेन ग्रेटर देन 7. तो कैलेंडर्स में जब भी ऑड डेज 7 से बड़े आ जाए, व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू डिवाइड इट बाय 7, और हमें केवल रिमाइंडर से मतलब है. रिमाइंडर कितना आएगा? 5. तो फाइनल आंसर हमारा ये है. ये क्यों नहीं? क्योंकि इन 12 डेज में भी 7 डेज का एक साइकिल रिपीट हो रहा है. वो साइकिल हमारे किसी काम का नहीं होता है, उसमें सेम डेज रिपीट हो जाते हैं. फाइन, सो फाइनल रिमाइंडर इज 5. सो बेसिकली वी कैन से दैट हम किसी भी 001 की डेट से जब 0010 की डेट पर आएंगे तो 5 दिन का इफेक्ट आ जाएगा. 5 दिन हमें आगे शिफ्ट करने होंगे. फाइन, अच्छा यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों. हमने कहा कि स्टार्टिंग के 10 इयर्स में 5 ऑड डेज आएंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 20 इयर्स में ये डबल हो गए
तो ऑड डेज भी डबल होगी, 10 ऑड डेज हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड जिसे अपन कहते हैं, यूनिटरी मेथड, क्या हम यहाँ यूज कर सकते हैं यूनिटरी मेथड को? माय क्वेश्चन इज, सपोज 10 रुपीज में वी गेट 5 चॉकलेट्स, तो 20 रुपीज में कितनी चॉकलेट्स आएंगी? तो ऑब्वियसली ये डबल हो रहा है तो यहां भी डबल हो जाएगा, 10 चॉकलेट्स आएंगे, राइट? बट क्या ये सेम मेथड हम यहां भी यूज कर सकते हैं? यहां पर हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, ये जो चॉकलेट्स है ना, जब हम डबल कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर बाइंग सेम चॉकलेट्स। अच्छा, मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि 10 रुपीज में 5 मेलोडी आती हैं, तो 20 रुपीज में कितनी 5 स्टार आएंगी? तो क्या आप सिंपली इसका डबल कर सकते हैं? आप डबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये डिफरेंट चीजों की बात हो रही है, या मेलोडी की बात हो रही थी, या 5 स्टार की बात है। तो ये यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे से वर्क करता है, बट इन केस ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स ओनली। यदि चीजें आइडेंटिकल नहीं है तो ये यूनिटरी मेथड वर्क नहीं करेगा। अब यहां पर तो हम ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये ईयर्स आइडेंटिकल है या नहीं है? तो इफ वी चेक फॉर स्टार्टिंग 10 ईयर्स और नेक्स्ट 10 ईयर्स हम चेक करें 11 से लेकर 20 तक, तो क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं एक बार। तो देखिए यहां पे क्या डिफरेंस है। देखिए स्टार्टिंग जो 10 ईयर्स है उसमें लीप ईयर कितने आए हमारे? 2 लीप ईयर आए थे। कौन कौन से? 8 एंड 4। ये 2 लीप ईयर थे, 4 और 8। जबकि जो नेक्स्ट अपने 10 ईयर्स के स्पेन ले रहे हैं उसमें कितने लीप ईयर आएंगे? तो विल चेक, तो विल गेट 12, 16 एंड 20। तो कितने लीप ईयर हो गए? 3 लीप ईयर्स। तो बच्चों क्योंकि ये साइकिल डिफरेंट है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूनिटरी मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए तो अपन कैलकुलेट करके देखते हैं कि हाउ मेनी ऑड डेज इन टोटल विल बी देयर इन फर्स्ट 20 ईयर्स। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0001 एंड वी आर गोइंग टिल 0020, 20 ईयर्स। फाइन, तो इन 20 ईयर्स में लीप ईयर कितने हो गए? आई थिंक 04, 08, 12, 16 एंड 20, ये 5 लीप ईयर आ जाएंगे। तो वी हैव अ टोटल ऑफ 5 लीप ईयर, और टोटल 20 ईयर्स है, उसमें से 5 लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए? वी हैव 15 नॉर्मल ईयर्स। हर लीप ईयर में वी हैव 2 ऑड डेज, तो इन टोटल 10 ऑड डेज आ देयर। हर नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, तो इन टोटल 15 ऑड डेज आ देयर। तो ओवरऑल कितने ऑड डेज हो गए बच्चों? 25 ऑड डेज आ देयर। अब अगेन जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये नंबर जब भी 7 से बड़ा आ जाता है, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सिंपली डिवाइड इट बाय 7 एंड जस्ट नोट डाउन द रिमाइंडर। तो 7 से यदि हम 25 को डिवाइड करते हैं तो इन 3 टाइम्स वी विल गेट 21 एंड द रिमाइंडर विल बी 4। हम इसी पे इंटरेस्टेड हैं, 4 में इंटरेस्टेड है, तो वी हैव 4 ऑड डेज। तो जब भी हम किसी भी इस ईयर की डेट से किसी भी इस ईयर की डेट तक जाएंगे तो कितने डेज हमें आगे शिफ्ट करने होंगे? 4। फाइन, नाउ लेट अस मूव टू वन अदर क्वेश्चन। So we are starting from 0001 and we are going till 0100, 100 years, span of first 100 years, right? Now, इसमें leap year कितने होंगे? तो generally बच्चों यहाँ पर हम solve करते हैं तो any year which is divisible by 4 is leap year, तो in total we have 25 leap years, और normal year कितने हो जाएंगे हमारे? 75। पर जैसे ही आप यहाँ 25 लिखेंगे आपने एक mistake कर दी है। वो mistake क्या हो गई है? आपने 100 को भी सेंचुरी ईयर है उसको लीप ईयर काउंट कर लिया है। हमारे लिए सेंचुरी ईयर का रूल क्या था? इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। नाउ 100 इज अ सेंचुरी ईयर, तो क्या 100 लीप ईयर होगा? नहीं, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 100 को हम लीप ईयर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 25 हाउ मेनी लीप ईयर्स डू वी हैव? 24। नॉर्मल ईयर्स कितने रहने वाले हैं हमारे? 76। हर लीप ईयर में वी हैव 2 ऑड डेज, 48। नॉर्मल ईयर में वी हैव 1 ऑड डे, 76। नाउ इफ वी ऐड देम वी गेट 124। अगेन दिस नंबर इज ग्रेटर देन 7, वी विल डिवाइड इट बाय 7, सो रिमाइंडर विल बी 5। सो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 100 इयर्स में हाउ मेनी ऑड डेज डू वी हैव? वी हैव 5 ऑड डेज, ये हम कह सकते हैं। नाउ इफ वी चेक फॉर नेक्स्ट 100 इयर्स, तो यदि स्टार्टिंग के हम 200 इयर्स ले लेते हैं, 001 से लेकर 0200 तक, we have span of 200 years. तो leap year कितने होंगे बच्चों? वैसे तो 200 को यदि हम 4 से divide करते हैं, तो total 50 leap years आने चाहिए थे। But in 50 years में 100 एक century year आ चुका है और 200 भी एक century year आ चुका है, तो ये दोनों तो leap year नहीं होंगे, right? तो इन इन total 50 की जगह हमारे leap year कितने होंगे? 48।
और 48 लीप ईयर होंगे तो नॉर्मल ईयर कितने होने वाले हैं हमारे 152, रिमेनिंग सारे नॉर्मल ईयर ही होंगे। हर लीप ईयर में वी हैव टू ऑड डेज दैट मेक्स अस 96, हर नॉर्मल ईयर में वी हैव वन ऑड डे 152। अब बच्चों आप इसको ऐड करके डायरेक्टली डिवाइड, आप ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर सकते हैं और एल्स आप डायरेक्टली यहां पर भी डिवाइड बाय 7 कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड दिखा देता हूं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यदि हम इनको ऐड करते हैं तो दिस इज हाउ मच 248। 248 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 2135। आई थिंक 3 रिमाइंडर वुड बी देयर, फाइन। और यदि हम यहाँ इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं 7 से तो 91 तक डिविजिबल है, वी हैव 5 रिमाइंडर। और यहाँ पर भी हम यदि डिवाइड करते हैं 7 से 147 तक डिविजिबल है, वी हैव 5 रिमाइंडर। तो टोटल रिमाइंडर कितना आया 10। अब क्योंकि ये 10 7 से बड़ा है तो विल अगेन डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर विल बी 3। तो आप देखेंगे आप चाहे तो इंडिविजुअली डिवाइड कर लीजिए, चाहे आप टोटल करके डिवाइड कर लीजिए, आंसर विल बी सेम। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 200 इयर्स में हाउ मेनी ऑड डेज डू वी हैव, 3 ऑड डेज। अच्छा बच्चों जब हमने किया था कि स्टार्टिंग के 100 लीप ईयर में 5 ऑड डेज थे, तो जब 200 कर रहे हैं इसका डबल कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे भी इसका डबल कर दे 10 कर दे, और 10 का मतलब 7 से बड़ा है, विल डिवाइड बाय 7, फाइनल आंसर 3। ये तो सही आंसर आ रहा है, जबकि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि यूनिटरी मेथड यूज नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे तो कर पा रहे हैं। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द रीजन। बच्चों ये जो 100 ईयर्स का स्पैन है, 0 से लेकर 0001 से लेकर 0100 तक, ये जो 100 ईयर्स हुए, और जो अगले 100 ईयर्स हुए हैं 101 से लेकर 200 तक, सारे आइडेंटिकल है, सारे सिमिलर है। कैसे? यहाँ पे हमारा फर्स्ट लीप ईयर कौन सा था, 04, तो इस वाले ड्यूरेशन में हमारा फर्स्ट लीप ईयर होगा 104। यहाँ पे नेक्स्ट होगा 08, यहाँ पर होगा 108, यहाँ पर नेक्स्ट होगा 12, यहाँ पर होगा 112, यहाँ नेक्स्ट होगा 16, यहाँ पर होगा 116। तो आप देख रहे हैं कि एकदम सिमिलर चल रहे हैं। यहाँ पे लास्ट लीप ईयर होगा हमारा 96, तो यहाँ पर होगा 196। यहाँ पे 100 को हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 200 को लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि सारा जो साइकिल है वो आइडेंटिकल चल रहा है। तो क्योंकि ये चीजें आइडेंटिकल है, ये जो 100 ईयर का स्पेन आइडेंटिकल है, तो आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड भी यूज यहाँ पर कर सकते थे। एनीवेज मैंने आपको ये वाला मेथड भी बता दिया है, पर आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें, जैसे भी आप समझना चाहें आप कर सकते हैं। फाइन, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट 300 इयर्स। 300 इयर्स वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सो वी हैव अ स्पैन ऑफ फर्स्ट 300 इयर्स, इसमें ऑड डेज कैलकुलेट करने, दोनों मेथड से हम करके देखेंगे। बच्चों 300 को व्हेन डिवाइडेड बाय 4 विल गेट 75, फाइन। सो देयर मस्ट बी 75 लीप इयर्स, बट इन 75 इयर्स में हमको 100 को काउंट नहीं करना है, हमें 200 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये सेंचुरी इयर्स है और लीप ईयर नहीं है, और 300 को काउंट नहीं करना है। तो इंस्टेड ऑफ 75 हाउ मेनी लीप इयर्स डू वी हैव, 72 लीप इयर्स वी हैव। तो 72 यदि लीप ईयर आएंगे तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, 228 नॉर्मल ईयर्स, फाइन। हर लीप ईयर में दो ऑड डे, 144 ऑड डे, हर नॉर्मल ईयर में वन ऑड डे, 228 ऑड डे। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे विल गेट 4 एज रिमाइंडर। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 21 एंड 18 अगेन 4 एज रिमाइंडर। तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 8। अगेन ये नंबर 7 से बड़ा है, विल अगेन डिवाइडेड बाय 7, विल गेट 1 एज रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं कि 300 जो ईयर्स का पीरियड होता है उसमें कितने हमारे ऑड डेज आते हैं, 1 ऑड डे आते हैं। अच्छा, और इससे यदि हम यूनिटरी मेथड से करना चाहें तो 100 ईयर में 5 ऑड डेज आए थे, तो 300 के लिए कितने होंगे, इंटू 3 करना पड़ रहा है, तो यहां पर भी इंटू 3 होगा 15। नाउ दिस 15 इज ग्रेटर देन 7, तो डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा बच्चों, 1। तो फाइनली हमारा ऑड डेज कितना आने वाला है, 300 ईयर में 1 ऑड डे विल बी देयर, फाइन। आई होप ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। तो आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज दे आइडेंटिकल ईयर्स, दीज आर आइडेंटिकल ईयर्स, तो आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से पूरा सॉल्व भी करके देख सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 0001 से स्टार्ट करके 0400, तो स्पैन ऑफ 400 ईयर, अगेन हम दोनों मेथड से करके देखेंगे। तो इसमें नॉर्मल ईयर कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे बच्चों, वैसे हम 400 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो 100 लीप ईयर आने चाहिए थे, बट इन 100 लीप ईयर्स में से हमें 100 को काउंट नहीं करना है, हमें 200 को काउंट नहीं करना है, हमें 300 को काउंट नहीं करना है, बट हमें 400 को काउंट करना है, बिकॉज 400 इज अ सेंचुरी ईयर एंड इज डिविजिबल बाय 400 ऑल्सो।
400 से डिविजिबल भी है और सेंचुरी ये भी है, तो इट इज अ लीप ईयर. तो इंस्टेड ऑफ 100 हमें कितने माइनस करने पड़ेंगे, 100 में से 3, 97 लीप ईयर्स वी हैव, एंड रिमेनिंग 303 विल बी देन नॉर्मल ईयर्स इनटू 1 इनटू 2. व्हाई इनटू 2? हर लीप ईयर में दो ऑड डेज होते हैं, हर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है. तो इन टोटल 303 ऑड डेज आ गए हमारे यहाँ पर, इन टोटल 194 ऑड डेज आ गए हमारे यहाँ पर. इसको डिवाइड बाय 7 यहीं पे हम कर लेते हैं, तो 300 287 294 301, सो वी विल गेट 2 एज रिमाइंडर. यहाँ पे दो रिमाइंडर आने वाला है हमारे पास. यदि हम इसको सॉल्व करते हैं विल गेट 5 एज रिमाइंडर. तो इन टोटल कितना रिमाइंडर आया हमारे पास? 7. नाउ दिस 7 अगेन विल डिवाइड बाय 7, तो कितना रिमाइंडर आने वाला है? ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी 0. तो वी कैन से दैट इन अ स्पैन ऑफ 400 इयर्स हाउ मेनी ऑड डेज वी हैव? 0 ऑड डेज. हर 400 साल बाद हमारे पास 0 ऑड डेज आ गए. फाइन, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया बच्चों कि हर 100 इयर्स में वी हैव 5 ऑड डेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा. तो 100 इयर्स में वी हैव 5 ऑड डेज. In span of 200 years, we have 3 odd days. In span of 300 years, we have 1 odd day. And in span of 400 years, we have 0 odd day. ये किस तरह से काम आएगा? Now suppose if I ask you कि how many odd days do we have in 700 years? Now we can split this 700 as 400 plus 300. 400 में कितने थे? 0 odd days. हम directly इस information को use कर सकते हैं. और 300 years में कितने odd days आते हैं? 1. तो in total कितने odd days हो जाएंगे? 1 odd day will be there. Suppose I ask you how many odd days will be there in say 1700 years. तो 1700 को कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो हम 400 के जो भी मल्टीपल है उसमें 0 odd days आने वाले. 400 years में 0 odd days है, 800 में भी 0 होंगे, 1200 में भी 0 होंगे और 1600 में भी 0 होंगे. तो 1700 में से 1600 हमने अलग किया तो बचा 100. इन 1600 क्योंकि 400 का मल्टीपल है और उसमें 0 odd days आता है, तो यहाँ पर कितने odd days हो गए? 0. और 100 years में भी कितने odd days थे? 5. हम इस तरह से भी कर सकते हैं. फाइन, नाउ सपोज इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ऑड डेज विल बी देयर इन से 1753 इयर्स. 1753 में कितने होंगे? नाउ सी, हमने देखा है कि 100 में कितने होते हैं? 5. 200 में कितने होते हैं? 3. 300 में होते हैं 1. ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों. और 400 इयर्स में होते हैं 0 ऑड डेज. ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी. तो इसको हम स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं. कैन वी स्प्लिट इट लाइक दिस? 1600 में क्यों किया? 400 का मल्टीपल बना लिया ना, 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल बनाइए सबसे पहले, तो 1600. अब क्योंकि 400 में 0 थे तो 1600 में भी 0 odd days will be there. अब बचे कितने? 153 years. 153 को मैं 100 और 53 में स्प्लिट कर लेता हूँ. 100 में डायरेक्टली वी नो 100 में कितने odd days आ गया? 5. अब देखिए 53 रह गया. अब इस 53 को हम डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है 53 की. तो वॉट वी कैन डू इज हम इसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 53 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स में 52 आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा. तो क्या हम कह सकते हैं कि 13 लीप ईयर तो आ चुके हैं? 52 ईयर तक 13 लीप ईयर हो चुके होंगे. तो इन 53 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं बच्चों? 13. आपको लीप ईयर जब भी कभी कैलकुलेट करना हो सिंपली उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लीजिए. जितनी बार भी डिविजन प्रॉपरली हो पा रहा है क्वेश्चन जो भी है वो आपका लीप ईयर दे देगा. फाइन, तो यदि 13 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 40. हर लीप ईयर में वी हैव 2 ऑड डेज, हर नॉर्मल ईयर में वी हैव 1 ऑड डे. तो यहां पे वी हैव 26 ऑड डेज, यहां पे वी हैव 40 ऑड डेज. तो इन टोटल कितने ऑड डेज हो गए बच्चों? 66. क्योंकि 7 से बड़ा है डिवाइड बाय 7 करेंगे, 63 तक डिविजिबल होता है 7 से, रिमाइंडर विल बी 3. तो इन टोटल 3 ऑड डेज यहां से आ गए. तो इस पूरे 1753 में कितने ऑड डेज आ गए? 0 प्लस 5 प्लस 3, 8. अब अगेन ये 8 तो 7 से बड़ा है, विल डिवाइड इट बाय 7. Final remainder will be 1. So in 1753 years mein, finally we have only 1 odd day. Fine? I hope aapko yahan tak clear hoga. Ab is information ka use karke kisi bhi date par kaun sa day hoga. For example, if you ask me what will the day on 15th of say August 1947 is date par kaun sa day tha. To aap is information ko use karke wo sare days nikal sakte. Kaise karna hai? Ye hum next video mein discuss karenge. आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा बच्चों. कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन गेट इन टच विद अस. नंबर आपके पास होंगे. फाइन, थैंक यू सो मच.